महाराष्ट्र में पहली ऐतिहासिक नौकरी घोटाले का पर्दाफाश। उल्लास नगर महानगर पालिका में हुई इस मामले में एक सफाई कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया है। मनपा के जरिए मिली माहिती अधिकार के द्वारा दस्तावेज में यह स्पष्ट हो रहा है कि इस घटना में तत्कालीन मनपा आयुक्त, उपायुक्त मुख्यालय, आरोग्य उपायुक्त, आरोग्य मुख्य स्वच्छता निरीक्षण की मिली भगत से यह सारे घोटाले को अंजाम दिया गया है। बहरहाल मामला न्यायालय में है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। इस मामले को उजागर करने वाले राकपा नगर सेवक भरत गंगोत्री ने दोषी दूसरे भाई की गिरफ्तारी और उस समय मनपा के सभी अधिकारियों जिनकी मिलीभगत से यह घोटाला हुआ है उस सभी की गिरफ्तारी की मांग की है। घोटाला इस प्रकार है कि एक रमेश बामदास आरंगले सफाई कर्मचारी था जो 94 में कॉर्पोरेशन की नौकरी पे लगा था, नगर पालिका में लगा था। उस वक्त वो टेम्प्ररी था, बाद में 96 में परमानेंट हुआ और 94 में इसकी दूसरी महाराष्ट्र शासन में नौकरी लग गई और वो नौकरी ये छोड़ के उधर चला गया और ये नौकरी के उसका भाई काम कर रहा है और उसके भाई आगे चल के भाई उसके नाम से सब कुछ होना चाहिए। तो उसके भाई ने गैजेट में रमेश बामदास के नाम की जगह पे अपना नाम गैजेट में चढ़ा के वो कागज कॉर्पोरेशन में दाखिल किए और अपने नाम से नौकरी करने लगा। ये चीज़ मुझे 2015 में जब मेरे सामने आई कि भाई ऐसे इस तरह का घोटाला है, तो ये घोटाले का मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन में सब निकालने के बाद महानगर पालिका में कंप्लेन की कि राजेंद्र बामदास सरांगले ये अपने भाई के नौकरी पे लगा हुआ है और कागज में हेरा फेरी करके नौकरी कर रहा है। उसकी इंक्वायरी हुई, पाटनकर साहब ने इंक्वायरी किया, उसमें उन्होंने पुलिस चौकसी की गुजारिश की और वो 2018 में सासे करके लिपि के अपने उन्होंने दाखिल की सेंट्रल पुलिस चौकी में और उस हिसाब से वो घोटाला उजागर हुआ और ये सामने आया है। और ये महाराष्ट्र में ऐसा पहला केस है जो एक ही आदमी दो गवर्नमेंट की नौकरी में काम कर रहा है। सर, इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं? अधिकारी उस वक्त के मुख्य अभियंता और लिपिक आयुक्त ये सब इन्वॉल्व है क्योंकि उस कागजों के ऊपर उनके साइन है ही नहीं और साइन ना होते हुए उसका नाम बदली करके आदेश निकाला गया है और उसके नाम से नौकरी कंटिन्यू की गई है। तो उस वक्त के जितने भी अधिकारी है मेन ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व है और इन सब के ऊपर भी कार्रवाई की मैंने मांग की है कि भाई उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर भी केस दाखिल होना चाहिए। तो इस तरह आगे चल के कहीं पे भी ऐसा मिसयूज नहीं होगा ये मेरा। सर, ऐसे घोटाले कितने बार सामने आए लेकिन पालिका प्रशासन कुछ नहीं करती? अभी जिस तरह से हमको जानकारी आ रही है कॉर्पोरेशन में आधे से ज़्यादा नौकरियाँ ऐसे बोगस है। हम चाहेंगे तो वो भी प्रशासन अपनी तरफ से इंक्वायरी बिठा के वो सब वापस से वेरीफाई करे और जिनका हक है उनको नौकरी मिलनी चाहिए और उनके परिवार पलने चाहिए, मेरी ये गुजारिश है।